मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ अल्लू अर्जुन के बारे में। जी हाँ, इनकी फिल्म सराय नायडू, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो माफ़ करना, सराय नायडू जो इनकी 2016 की फिल्म है, उसने एक अनोखा और एक अलग सा रिकॉर्ड बनाया है जिसके बारे में बात करना तो बनता है। जी हाँ, ये फिल्म ने एक साल के अंदर यूट्यूब पर इसने 200 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, ये यूट्यूब पर इंडिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है। ये तो रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि एक साल के अंदर 200 मिलियन व्यूज़ जो पाना एक अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। खुद गोल्डमाइन फिल्म्स पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं जहाँ पर इसने 200 मिलियन व्यूज़ हासिल कर दी है एक साल के अंदर। और ये अल्लू अर्जुन की फिल्म है सराय नायडू, सराय नायडू। ठीक है, मैंने आपको जिसे बताया था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और एक वीडियो भी अगर आप लेटेस्ट इन्होंने गोल्ड मैंने जाहिर किया है जहाँ पर आपको साफ साफ लिखा आएगा कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन सराय नायडू बिकम्स मोस्ट वॉच मूवी ऑन यूट्यूब इन इंडियन सिनेमा। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और सराय नायडू एक कमाल की फिल्म है आई थिंक, और इसके रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आए हैं। और ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको। और इससे ये भी साफ पता चलता है कि यूट्यूब पर बॉलीवुड मूवीज़ से ज़्यादा साउथ फिल्में लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। और बहुत सारी बॉलीवुड मूवी पुरानी पुरानी है लेकिन नई फिल्में बहुत कम है। लेकिन हाँ, उस हिसाब से भी अगर देखें तो साउथ फिल्मों को यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और ये उसमें से एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दी है अल्लू अर्जुन की फिल्म ने। यानी कि इससे साफ है कि कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है अल्लू अर्जुन की इंडिया में और विदेशों में। तो क्योंकि ये इंडिया से ही सिर्फ व्यूज़ नहीं आए होंगे, ये विदेशों से भी व्यूज़ आए होंगे। और मैंने कुछ एक्शन सीन्स देखे इस फिल्म को जो मुझे बहुत कमाल के लगे हैं। और अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत जल्दी आई थिंक ये फिल्म भी मैं देखूँगा। और डीजे जैसी फिल्म बना चुके हैं, ना पेरू सूर्या जैसी फिल्म बना चुके हैं। यानी कि अल्लू अर्जुन एक कमाल के एक्टर है। कहा जाता है कि अल्लू अर्जुन फ्यूचर के साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वो कभी चीज़ दिन आए और वो बात सच में सच हो जाए और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इनकी आने वाली, मैंने ये भी सुना है। एनीवेज़, फ़िलहाल ये रिकॉर्ड से कितने खुश है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है, 200 मिलियन व्यूज़ हासिल कर चुके हैं। वापस आपको वो बता देता हूँ टाइटल क्या था, बिकॉज मोस्ट वॉच सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यूट्यूब की फिल्म बन चुकी है इंडियन सिनेमा में, और 200 मिलियन करने वाली एक साल के अंदर फिल्म बन चुकी है, यानी कि 20 करोड़ के ऊपर व्यूज़। कितना एक्साइटेड जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, फिलहाल कितना ही।